क्वेश्चन नंबर 7.6, फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल। कह रहा है हमें कि आपको किसी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, वो उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट आपको बताना है। पार्ट वन यानी पहला पार्ट तो क्वेश्चन में यही है, फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल। यानी किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो एल है उसका आपको तीनों कंपोनेंट बताने हैं, यानी एल का एल एक्स, एल वाई, एल जेड। हुज पोजिशन वैक्टर इज आर विथ कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड एंड मोमेंटम इज पी विथ कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक तो पार्ट ये रहा क्वेश्चन का, एल का तीनों कंपोनेंट दिखानी है एंगुलर मोमेंटम का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड। और दूसरा कह रहा है सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ जेड कंपोनेंट। और आपको ये सो करना है कि पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में मूव करे तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो ओनली जेड एक्सिस में ही होगी। यानी एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी पता है कि जिस प्लेन में पार्टिकल मूव करेगा उस प्लेन के नॉर्मल होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी है, ठीक है, एंड इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पी एक्स आई प्लस पी वाई जे वेक्टर प्लस पी जेड के है, ठीक है। और मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके बाद मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखनी है, दिस इज पॉइंट ओ। तो इसकी पोजीशन वेक्टर, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आर मान लिया, ठीक है। और ये पार्टिकल जहां पर है इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिख सकता हूँ आर वेक्टर को। और पी वेक्टर तो आपको पता ही, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। ओके, नाउ एंगुलर मोमेंटम जो एल वेक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर वो क्या होगा, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है, मैथ्स में भी सीखे हुए कई बच्चे, और कई बच्चे हम अपने वेक्टर क्लास में भी सिखाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो एल वेक्टर आर क्रॉस पी करना है, तो आप पहले डिटर्मिनेंट्स आप इस तरीके से बना लें, और यहाँ आई जे और के, ध्यान रखें यहाँ पर कि पहला वेक्टर कौन है आर, तो उसकी उसकी आर वेक्टर की जो वैल्यू होगा आई जे के में वो पहले रखा जाएगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, एंड पी वेक्टर की वैल्यू पी एक्स पी वाई पी जेड। अब एल वेक्टर जो आएगा वो भी आई जे के में आएगा, तो आई इंटू डब्बा माइनस जे इंटू डब्बा, कॉर्नर पॉजिटिव होगा जे निगेटिव होगा, आई प्लस में होगा जे निगेटिव, डब्बा डब्बे में क्या होगा अभी बताता हूँ, डब्बे में क्या होगा प्लस के इंटू डब्बा, है ना, ये डब्बे सॉल्व करने हैं मुझे, आई इंटू डब्बा माइनस जे इंटू डब्बा प्लस के इंटू डब्बा। अब डब्बा सॉल्व करना, तो देखो आई डब्बा सॉल्व करना, आई को ऐसे वर्टिकल, आई से लेके वर्टिकल इस तरीके से, एंड आई का हॉरिजॉन्टल, ये ढक दो तो बचेंगे क्या, ये ढक गया तो बचा क्या, ये चार टर्म, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये प्रोडक्ट निकालो, फिर इसके प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट माइनस होगा, समझ रहे हो ना, तो ये प्रोडक्ट करो, आई अगर सॉल्व करना तो ये लाइन आई के साथ वर्टिकल में एंड आई के साथ हॉरिजॉन्टल, ये ढक दो, तो अब ये चार बचे, तो ये प्रोडक्ट निकालना है इस दोनों का, इस प्रोडक्ट में माइनस ये करना है, ठीक है। तो वाई पी जेड, हालांकि ये मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट नहीं आ रहा हो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वाई इंटू पी जेड, मोस्टली बच्चे को तो आता होगा, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, ठीक है, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। ओके, ना अब जे जे सॉल्व करनी है, तो जे का देखो वर्टिकल ये लाइन, ये ढकेगा, ये हाइड करो, और ये वाले ढक दे, तो ये वाली और ये वाली बचा क्या, ये दोनों, इसका प्रोडक्ट करो एक्स इंटू पी जेड, एक्स पी जेड माइनस, है ना, जे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये लाइन और ये लाइन, तो एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स प्लस, ठीक है, एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स
ठीक है। नाउ के सॉल्व करो, के देखो ये लाइन आराम से देखो, ये वाली और ये वाली ढक जाएगा, क्या बचेगा, ये दोनों एक्स इंटू पी वाई, एक्स इंटू पी वाई माइनस, है ना, के सॉल्व कर रहा हूं तो ये ढक गया तो क्या बचा, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, वाई इंटू पी एक्स, ठीक है जी। ओके, तो एल वेक्टर बराबर, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आई यानी आई इंटू डब्बा, डब्बे में क्या, y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस, ये प्लस भी कर सकता हूँ तो माइनस अगर अंदर घुसा दूँ तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और क्या है ना, तो क्या हो जाएगा z इंटू पी एक्स, ओह सॉरी z इंटू पी एक्स माइनस माइनस z इंटू पी एक्स माइनस x इंटू पी जेड, एक्स इंटू पी जेड प्लस k इंटू एक्स इंटू पी वाई, अबे यार क्या ये मुश्किल है इसमें, हाँ एक्स इंटू पी वाई माइनस, इतने में तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वाई इंटू पी एक्स, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हम देखते हैं एल वेक्टर हमें मिल गया, अब आप एक बात बताओ कि एल वेक्टर का तीनों कंपोनेंट मिल गया मुझे, एल एक्स, ये एल एक्स है एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, तो एल एक्स क्या मिला, वाई इंटू पी जेड, देखिए भाई चेक कर लो एक बार सही है ना, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, यही है ना, सही लिख रहा है ना, एल एक्स है ना, एल एक्स क्या हो गया, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, ठीक बात है, प्लस ओ प्लस काहे को, हाँ अलग अलग करना है ना, एल वाई बताओ एंगुलर मोमेंटम का, वाई क्या हो गया, वाई पार्ट जेड इंटू पी एक्स, यही तो है जेड इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड, ठीक है जी। ओके अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, एल जेड, एल जेड क्या होगा, एक्स इंटू पी वाई माइनस, अरे यार वाई पी वाई है हाँ, माइनस वाई इंटू पी एक्स। ओके तो अब आप देख सकते हो तीनों पार्ट हमने निकाल लिए, तीनों कंपोनेंट एल एक्स एल वाई एल जेड निकाल दिया, अब हमें ये शो करना है कि अगर पार्टिकल कोई एक्स वाई प्लेन में मोशन करे, तो मान लो कि अगर पार्टिकल कोई एक्स वाई प्लेन में चले, जरूरी नहीं कि सर्कुलर ये कोई भी हो है ना, तो ये पॉइंट के अबाउट अगर मान लीजिए पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में करेगा तो सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे इसका नॉन जीरो वैल्यू, एंड जेड की वैल्यू क्या हो गई जीरो, एंड इसकी जो पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम होगी वो भी कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन में ही होगी, तो इस लीनियर मोमेंटम वेक्टर का एक्स वाई कंपोनेंट होगा, बट लीनियर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट क्या होगा जीरो। तो अब आप देख सकते हैं पी जेड जीरो और जेड जीरो, इसमें डालिए पी जेड जीरो और जेड जीरो, ये जीरो हो गया, इसमें जेड जीरो पी जेड जीरो ये भी जीरो, इसमें जेड कहीं नहीं है और पी जेड भी कहीं नहीं है, तो ये बच गया। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम का एल एक्स एंड एल वाई कंपोनेंट जीरो हो गया और ओनली एल जेड बच रहा है, इसका मतलब है कि जो एल वेक्टर है वो ओनली एल जेड आई हो गया, एल जेड के हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो एक ही कंपोनेंट बचेगा एल जे, समझ गए।